का बिस्तरा जो है हम लोग लेके जा रहे हैं, और दिलशाद भाई भी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि बोल रहे हैं पक गया था यार। अभी क्या कुछ अच्छा लग रहा है जाने? बहुत अच्छा लग रहा है भाई। कल की गलती की वजह से अभी आज दौड़ना ज़्यादा पड़ रहा है, और कल गया था मैं गोला फरतूत में, और मेरा जो स्प्रे गन था टेक्चर मारने वाला वो मैं वहीं पे भूल गया और लाया नहीं, और इधर काम सुरफा में ज़रूरत है, मुझे वापस से जाना पड़ेगा फरतूत और वहां से गन लेके आना है, और उधर जाने के बाद जाना पड़ेगा जुर्वादा में, और जुर्वादा भी बहुत दूर है। मैं अभी निकलने वाला था जुर्वादे के ही लिए, बस इधर गन नहीं मिलने की वजह से अभी वापस फरतूत जाना पड़ेगा गोला में, तो आज समझिए कि लंबा लपेटा पड़ रहा है। कल गया था, कल थोड़ा सा चूक हुआ, भूल गया, नहीं ध्यान रहा, मैं सोचा गाड़ी में पड़ा है और उधर ही दिया था, भूल गया, बस उसके लिए आज राउंड अप ज़्यादा हो रहा है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो, स्वागत है फिर से नई वीडियो में। दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला बहुत मज़ेदार, आज जो है तो 16 फरवरी और दिन मंगलवार है, और दोस्तों आज हम लोग जो सुरखा में आए थे तो गड़बड़ हो गया यहाँ पे, अभी वापस से जा रहे हैं कोयला में, और भी बहुत सारे जगहों पर जाना है क्योंकि आज हदन में भी जाना है, जुर्वादा में भी जाना है, और वो भी नज़दीक नहीं है, दूर दूर है, तो पहुंचेंगे देखेंगे वहाँ पे भी क्या क्या होता है। तो वीडियो पे बने रहें, वीडियो होने वाला है बहुत मज़ेदार, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए फिर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। आ गया हूँ गोला फरतूत में, और यहाँ पे जो काम थोड़ा बड़ा बचा हुआ है। क्या हो रहा है धर्मू, क्या हो रहा है? हाँ हाँ साहब, का दिलशाद भाई किधर है? दिलशाद भाई किधर? तो इधर थोड़ा मोड़ा जो काम बचा है वही गन भूलने की वजह से भी वापस आया इधर, और इसमें भी काला मारना है ना, इसको भी काला मारना है बाकी। और क्या हाल है भाई, कैसे हो? क्या अभी ब्लैक ब्लैक कर रहे हो? काला काला दोनों मिक्स किए थे? नहीं, एक वो सऊदी काले वो हुआ मैंने कभी। चलो कभी काला ना हो पाए, चलो कोई बात नहीं। नहीं मैं बोल रहा था काला और ब्राउन मिक्स हो जाता ना तो उसका मैचिंग में आ जाता दरवाजे का। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर सऊदी बोला तो सऊदी का काम है, सऊदी खुश नहीं रहेगा फिर फायदा नहीं ना। कल यार मैं आया तो गन का याद भी नहीं दिलाया, मैं चला गया ऐसे ही अभी गन लेने के लिए आया हूँ। किधर है गन और टाकर वाला? मैं आया था थोड़ा बहुत ये जो काम किया था एक गोल्ड और सिल्वर ये सब किया था, लेकिन लास्ट में जाते जाते भी काम टाइम ख़त्म हो गया था। जो टंकी में घुसा था उसका ये लोग प्राइमर मार दिए हैं, अभी शायद कल से ज़्यादा उजाला हो गया होगा इसमें क्योंकि कल अंधेरा अंधेरा था। हाँ ऐसा तो अंदर थोड़ा रोशनी यहाँ पे जो काम है अंदर का, हालांकि बाहर का तो पूरा निपटा हुआ है, लेकिन अंदर का जो काम है सिंगल हो गया है, डबल कोट बाकी है पूरा, और इसीलिए काम रुका था 6 महीने से, और बगल वाला जो बिल्डिंग है वो फाइनल हो गया था, तो उसमें शादी हुआ था सऊदी का, और इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा रेस्ट लिया था क्योंकि बहुत दिनों से काम जो चल रहा था, तो एक तो फैमिली जब शादी ब्याह होता है कहीं पे भी तो रिलेशन वाले ज़्यादातर मेहमान आते हैं, और ये बड़ी पार्टी है तो इनके पास मेहमान भी ज़्यादा आते होंगे, इसी वजह से काम बंद करवाए थे, अभी स्टार्ट कर दिए हैं, और अंदर का जो काम है सीलिंग भी कहीं कहीं पे है, अंदर का जो दीवार है वो भी डबल कोट करना है, तो फिलहाल इस हफ्ते नहीं अगले हफ्ते में स्टार्ट हो जाएगा ये भी काम। बताऊँ क्या क्या सामान जो पड़ा हुआ है, सामान तो और भी है कुछ, बस इतने में काम होने वाला नहीं है फिलहाल में, तो मुझे छत का वाला जो पेंट है मंगाना पड़ेगा, और
दीवार का भी पेंट पड़ा हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन मारते टाइम देखेंगे कितना कम पड़ता है, वही हिसाब से मंगाना पड़ेगा। ज़्यादा मंगा के भी फायदा नहीं, क्योंकि ये सब महंगा पेंट आता है और मिक्स वाला जो पेंट आता है जो मशीन से मिक्स हो जाता है वो वापस रिटर्न नहीं होता है, तो उसमें नुकसान भी होता है बहुत ज़्यादा। और ये जो पेंट इसमें जो लग रहा है एक बाल्टी का जो रेट है लगभग 500 रियाल से ऊपर है, तो फ़ायदा नहीं ज़्यादा नुकसान करके। इसमें और भी काम चल रहा है तो फिर। और भाई क्या हाल है, कैसे हो? तो पूरा निपट चुका था गुब्बा, उसी टाइम उसी गाला भी खोल दिया था। और क्या बात है, कैसे हो? क्या हुआ आँख में, क्या हो गया भाई? वो थोड़ा सा कचरा पड़ गया भाई। और कैसे हो? बढ़िया। अभी सीढ़ी लगा रहे हो आप लोग? चलो अच्छा, सेम वैसे ही उसी तरह। निकल रहे हैं यहाँ से और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा पट्टी भी पड़ा है, तो मैंने इंजीनियर को भी बात कर लिया है और सफाई वफाई करवाने के लिए, क्योंकि पेंट का काम तो आपको मालूम ही है कि जो भी काम होता है पेंट का तो सफाई दफाई बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो उस हिसाब से सफाई दफाई जब पहले ही रेडी हो जाएगा और बाद में जब इधर आएंगे काम करने के लिए उसी टाइम देख लेंगे क्या क्या जो सामान पड़ा हुआ है, क्योंकि बाल्टी एक जगह पे नहीं पड़ा हुआ है और बाल्टी सब इधर उधर पड़ा है, और पूरा देखना पड़ेगा ऊपर से नीचे तक कहाँ कहाँ पर बाल्टी जो लगा हुआ है। बाल्टी ले गए थे उठा उठा के लोग दरीसा में जो खिड़की में काम करते हैं, तो उनको थोड़ा हाइट की ज़रूरत पड़ती है, थोड़े बहुत हाइट के लिए तो बाल्टी काम दे देता है, इसीलिए बाल्टी वाल्टी थोड़ा बहुत इधर उधर छितरा गया है। तो इकट्ठा करने के बाद पता चलेगा कितना बाल्टी दीवार का बचा है, कितना बाल्टी छत का है और कितना ज़रूरत पड़ेगा नया खरीदने के लिए, तो फिलहाल आगे देख लेंगे। अब निकलते हैं जुर्वादा में और चलते हैं जुर्वादा की तरफ। और जुर्वादा में जो काम है बस बाउंड्री बाउंड्री का रह गया, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन जो है घर जाना है हमारे जैसा, वो भी तेज़ी में है और हमें भी घर जाना है अगले महीने में। तो सऊदी बार बार फ़ोन कर रहा है कि आके पहले काम ख़त्म कर दो, जब तक पेंट नहीं ख़त्म होगा तब तक लाइट नहीं लगेगा। तो मैं चल रहा हूँ अभी, देखता हूँ थोड़ा सा क्या पेंट बचा है, क्या कम पड़ेगा और सऊदी को थोड़ा बता देंगे तो ला देगा, तो इसी हफ्ते में उसका भी काम निपटाना है। अगर नहीं ऐसा होगा तो अगर इस हफ्ते में हो जाएगा तो जुमा को जाके उसको निपटा के आएंगे। मुझे तो लगा गेट जबरदस्त है, दरवाजा वगैरह तो लग गया है और एकदम मियाँ मियाँ अच्छे से। और यहाँ ले तो खैर लग रहा है हमको भी, पेंट करना पड़ेगा क्या अंदर। ये दीवार तो सही दिख रहा है सर, हालांकि दीवार तो सब सही दिख रहा है, हालांकि कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत है गड़बड़। इसको तो इधर पार्टीशन में लगाया है और ऐसा तो पारदर्शी है। और इधर ये देखो यार, इनका क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, हर जगह पे लोग इलेक्ट्रिशियन हो जहाँ भी काम कर रहे हैं, कोई कम ही इलेक्ट्रिशियन होगा जहाँ पे कहीं पे ख़राब ना करता हो, और पेंटर का तो ख़राब करना ही करना है इनका। और कल गया था जहाँ पे सुरखा में, वहाँ पे तो और भी मुसीबत, पूरा छत में वाट लगा के रखा है इंसान ने, और पूरा छत में, पूरा जो हाथ लगाया ना, हाथ का जो धूल है पूरा छत में चिपका दिया है। अब सफ़ेद जगह पे धूल चिपकेगा तो लाजमी मालूम तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और यहाँ पे तो सऊदी ने कुछ अजीब अजीब लाइट लगाया, मैं पहली बार ये सब देख रहा हूँ यार। वाह क्या ज़बरदस्त लाइट है ना, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ऐसा लाइट, क्योंकि जितना भी सऊदी के घर में मैं काम किया हालांकि ऐसा लाइट नहीं लगा था। ये इंसान टेप लगा के काम किया है और इतना सीधे से किया है ना कि देखने में मालूम ही पड़ रहा है कितना सीधा है। ऐसा लग रहा है हल्क प्रेम को पोलियो मार दिया है। कितना पीस है, कितना पीस है? अरे ये तीन नहीं है तो दाल है यार, ये क्या है? एक ये है सांभर है, पता नहीं है। ये सालन है मछली का, और ये क्या है? ये भी कुछ है पूरा मुनके, एक दर्जन से ज़्यादा है पन्नियाँ। अचार भी है, किधर जाते हैं देखो, खाना तो हम लोगों ने खा लिया। और खाना आपने देखा ना कितना सारा पन्नी में पड़ा था, और ये केरला का खाना था, तो खाना तो हम लोगों ने खा लिया। अभी चलते हैं, थोड़ा मछली भी फ़ोन किया था, बोल रहा है काम ख़त्म हो गया है,
उधर भी चलते हैं, देखते हैं क्या वो सफाई वही किया है कि नहीं किया है, वो भी देखना है। फिर जाना है वापस गुलगुला में और वहाँ से काम ख़त्म करवा के वहाँ से सामान वामान वापस लेके आना है रूम पे। A few moments later. आज है अंदर टैंकी का पेंट हो रहा है और जैसा भाई अरे नीचे से हाय करो यार, लोग देख रहे हैं। हाय। समय है शाम का 7 बज रहा है और हम लोग का जो काम है वो भी अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि बिल्डिंग आप देख सकते हैं जो पीछे है और ख़त्म तो हो गया था हम लोग का, लेकिन सऊदी जो काम है एक्स्ट्रा बढ़ाते जा रहा है और कभी दरवाज़ा कभी कुछ। तो फिलहाल हम लोग आएंगे कल 11-12 बजे या दोपहर के बाद से, थोड़ा हम लोग का काम है दूसरा जगह पे। तो फिलहाल अभी बोरिया बिस्तरा जो है हम लोग लेके जा रहे हैं और दिलशाद भाई भी खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बोल रहे हैं पक गया था यार। अभी क्या कुछ अच्छा लग रहा है जाने? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, पक गए थे यार। हाँ धर्म, तेरा कैसा है? जा रहा अच्छा है ना, रुकेगा इधर? तो सब लोग पक गए थे यार, दो महीने से ऊपर हो गया ना। अभी ये बर्तन बढ़िया जितना है, गैस सिलेंडर कंबल बिस्तरा सब अभी लेके जा रहे हैं हम लोग नजरान में और कल आएंगे लगभग दोपहर के बाद से। करते हैं यहीं पे ख़त्म वीडियो का। कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कर यार क्या हो गया यार वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल में प्लीज सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।